पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम का आयोजन कराया है। इस कार्यक्रम में सभी भाजपा पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि पहुंचकर सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के साथ आगामी कार्यक्रमों के बारे में भी रणनीति तैयार कर रहे हैं। मुरादाबाद में 3 दिवसीय कार्यक्रम के शनिवार को दूसरे दिन मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख दिल्ली रोड स्थित राही होटल में आयोजित प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुरादाबाद सदर ब्लॉक मनीष प्रमुख ने की और संचालन भाजपा के महानगर उपाध्यक्ष दिनेश सिसोदिया ने किया, जहां पर पदाधिकारियों का कार्यकर्ताओं द्वारा फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने मंच पर पहुंचने के साथ ही सभी से अपील की कि सभी लोग पार्टी द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी भी जन जन तक पहुंचाएं। इस समय उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, साथ ही जनता के हित में सरकार द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी जानकारी भी सबको होनी चाहिए। मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि उस समय में ऐसे समय में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निकल कर सड़कों पर आकर उन लोगों को जो बाहर के देशों से आने वाले थे उनको खाना खिलाने का काम किया, उनको चप्पल देने का काम किया, उनको पैरों में मालिश करने का काम किया और उनको घर तक पहुंचाने का जो काम किया है ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही कर सकता है। इसलिए मैं पार्टी कार्यकर्ता को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ। अपने बगैर जान की परवाह किए उन्होंने उस बाबा के काम को देखा है और समझा है और सेवा भाव से काम किया है। उसी संख्या में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो छोटे छोटे जो थे या जो कल्पना थी 20 लाख करोड़ के लिए पैकेज देने का जो काम किया था वो प्रधानमंत्री ने देश को बचाने का, देश को संकट से भागने का जो काम किया था ये प्रधानमंत्री जी की सोच थी। क्योंकि 80 करोड़ के लगभग गरीब परिवारों को मुफ्त राशन देने का काम किया गया, उनको रोजगार देने का काम किया है, उनको बहुत सारे योजनाओं से जोड़ने का काम किया है, उन्हें गैस सिलेंडर देने का काम किया है, उन्हें आवास देने का काम किया था, उन्हें नौकरी देने का काम किया है और उन्हें जीवन चलाने के लिए जीविका का भी उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। ये बहुत सारी योजनाओं ये आत्मनिर्भर पैकेज को उन्होंने अपने देश को दिया था तो ये सोचा था कि इतना बड़ा पैकेज देके कैसे आर्थिक संकट को बचाया जा सकता है। ये हमें कर सकते थे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और इससे उत्तर प्रदेश प्रदेश के भाषण में लाने का काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। आज की वो मानसिकता इतनी बदली हुई ये तो भला हो 21 दिनों की सरकार जो 13 महीने वाजपेयी जी कई बार हिंदुस्तान ने सर्वसागर के आसमान की तरफ देखा और ये कहा कि हिंदुस्तान अब अपने पैरों पर खड़ा है, अब आत्मनिर्भर है और हमने पूर्व धर्म के अंदर जो है तो मन छोड़ा उस दिन से हिंदुस्तान के अंदर हमारी लाइफ पूरी दुनिया के अंदर हमारी इज्जत हो गई। उससे पहले कोई इज्जत हिंदुस्तान की नहीं थी। कई बार लोगों को लगा ये दमदार है, ये भी दमदार हो सके। नतीजा क्या हुआ कि आप गेहूं भी इम्पोर्ट कर रहे हैं, आप सुई भी इम्पोर्ट कर रहे हैं, आप मिक्सी भी इम्पोर्ट कर रहे हैं, आप टी शर्ट भी इम्पोर्ट कर रहे हैं। अरे ये वो देश है कि जिसके अंदर कभी आपने कार धुली, दूध की गलियां भरी, मेहमान जो हमारा होता है जान से ज्यादा होता है, पानी की कोई कमी नहीं, 4 रुपयों वाला देश या अकेला देश है, कौन सी कंपनी हमारे देश के अंदर जो ये हालत है। लेकिन अब यदि आप देखेंगे तो आज हालत में विदेश मंत्री है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर एस जयशंकर उसने ये कहा ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर से भी और पूरे दुनिया के लिए ये कहा कि जो खाद्यान्न का संकट पूरी दुनिया में छाया हुआ है
किसान यूक्रेन युद्ध में फंस गया, अफगाना भी युद्ध में फंस गया, तो लेकिन चिंता की बात नहीं है। हम पूरी दुनिया को खाना खिला सकते हैं, ये भारत की अब ताकत बन जाएगी। ये किसमें पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।